टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार की चना खरीद जिसकी देश के दलहन उत्पादन में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, वर्तमान रबी सीजन 2022-23 में अब तक 1.86 मिलियन टन को पार कर गई है, जबकि पिछले वर्ष यह केवल 0.5 मैट्रिक टन ही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चने की खरीद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड द्वारा MSP संचालन के तहत की जा रही है, अगले सप्ताह तक 2 मैट्रिक टन को पार करने की संभावना है, क्योंकि किसान प्रमुख उत्पादक राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी उपज ज्यादा ला रहे हैं। वर्तमान सत्र के लिए खरीद का लक्ष्य पिछले वर्ष में केवल 0.6 मैट्रिक टन खरीद के मुकाबले लगभग 2.9 मैट्रिक टन है। बम्पर फसल और मंडी की कीमतें 5230 रुपये प्रति क्विंटल के MSP के मुकाबले बाजारों में लगभग 4700 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल हैं, जिससे नेफेड द्वारा खरीद में वृद्धि हुई है। अधिक चना खरीद के कारण सरकार के पास वर्तमान में 2.3 मैट्रिक टन के मानक के मुकाबले बफर स्टॉक के रूप में विभिन्न किस्मों की 3.3 मैट्रिक टन दालें हैं। हालांकि दालों की अन्य किस्मों के मामले में सरकार का स्टॉक कम खरीदी के कारण कम है, जैसे कि मूंग का 0.31 मैट्रिक टन, उड़द का 0.03 मैट्रिक टन, तुअर का 0.11 मैट्रिक टन और मसूर का 0.07 मैट्रिक टन। 2016 में सरकार ने दालों का बफर स्टॉक बनाया था, ताकि खुले बाजार में स्टॉक को कैलिब्रेटेड तरीके से जारी करके खुदरा कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। नेफेड मूल्य स्थिरीकरण कोष और मूल्य समर्थन योजना के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से दलहन की खरीद करता है। किसान सहकारी समिति ने महीने के प्रारंभ में अब तक मध्य प्रदेश से 0.54 मैट्रिक टन, महाराष्ट्र से 0.54 मैट्रिक टन, गुजरात से 0.5 मैट्रिक टन, कर्नाटक से 0.07 मैट्रिक टन, तेलंगाना से 0.05 मैट्रिक टन और आंध्र प्रदेश से 0.6 मैट्रिक टन की चना खरीदा है। वहीं गुरुवार को जारी खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू फसल वर्ष का दलहन उत्पादन रिकॉर्ड 27.75 मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना से लगभग 9% अधिक है। चालू फसल वर्ष में चना का उत्पादन 17% से अधिक बढ़कर 13.98 मैट्रिक टन हो गया, जो कि पिछले वर्ष 11.91 मैट्रिक टन ही था। जानकारों के अनुसार आने वाले महीनों में मंडियों में आवक कम होने की उम्मीद है और साथ ही मिल मालिकों की मांग भी देखी जा सकती है और इससे मंडी में कीमतें MSP के करीब आ सकती हैं। खाद्य मुद्रास्फीति में चने का भारांक 0.6% है। चने की महंगाई अप्रैल में 2.72% थी। देसी चना के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बेसन के उत्पादन के लिए आगे की प्रक्रिया में चला जाता है। Market Times TV। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।